हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग सर्विसेज के बेसिक टर्म्स क्या हैं और क्या क्या यूज होता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फायर फाइटिंग सर्विस समझने के पहले हम लोग समझते हैं कितने टाइप की फायर होती है। फायर बेसिकली सिक्स टाइप की होती है जिसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए टू एफ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ए कैटेगरी का फायर होता है उसको ए सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वुड, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक, ये सब चीजों से अगर फायर जनरेट हुआ है तो उसको ए क्लास की कैटेगरी में हम लोग काउंट करते हैं। दूसरा होता है बी, जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से जो होता है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसकी वजह से जो आपको फायर हुआ है उसको हम लोग बी क्लास की फायर में उसको बी क्लास की फायर बोलते हैं, और उसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। अगर बर्निंग गैस, जैसे कोई नेचुरल गैस है, आपका जो सिलेंडर है जो खाना बनाने के लिए हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो है, उसके वजह से अगर फायर हुआ है तो वो सी क्लास की फायर में आता है, और उसका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा डी क्लास की फायर, वो अगर मेटल की वजह से हुआ है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम की वजह से अगर फायर हुआ है तो उसको डी क्लास की फायर में हम लोग काउंट करते हैं, और वो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ई क्लास का फायर अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हो, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से अगर कोई फायर जनरेट हुआ है तो उसको ई क्लास की फायर में हम लोग काउंट करते हैं, और उसका जो सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। अगर कोई अनसेचुरेटेड कुकिंग ऑयल, या अगर आपका किचन के अंदर कोई फायर हुआ है तो उसके अंदर उसको हम लोग एफ क्लास की फायर को कैटेगराइज करते हैं, और उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है। अब जो टर्म्स होते हैं फायर फाइटिंग में, अब हम लोग वही स्टडी करेंगे कौन से टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स यूज होता है फायर वाटर रिजर्वायर, जो हम लोग फायर फाइटिंग में आज भी जो फायर को कम करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वाटर मीडियम यूज करते हैं हम लोग फायर को कम करने के लिए। अगर कोई भी फायर कहीं पे बिल्डिंग में या कहीं पे हुआ है तो उसको बुझाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बिल्डिंग के ऊपर एक ओवरहेड टैंक बनाते हैं, या तो बिल्डिंग के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, और जब कहीं पे फायर होता है तो वहां से वाटर को हम लोग जहां पे हुआ है वहां पे लेके जाते हैं, प्रेशराइज वाटर लेके जाते हैं। अब प्रेशराइज करने के लिए आपको मोटर पंप यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो वाटर रहता है ये एक जगह स्टोर रहता है, या तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में स्टोर रहेगा अंडरग्राउंड टैंक में, या तो आपका ओवरहेड टैंक पे ऊपर स्टोर रहेगा, तो उसको आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको प्रेशराइज करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग पंप्स यूज करते हैं। तो उसमें पंप्स कौन से यूज करते हैं, एक हम लोग डीजल पंप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिवन स्प्रिंकलर पंप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिवन हाइड्रेंट पंप यूज करते हैं, जॉकी पंप यूज करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, बूस्टर पंप यूज करते हैं प्रेशर को बूस्ट करने के लिए। जो डीजल पंप होता है वो स्टैंड बाय पंप होता है, वो नहीं चलता है मोस्टली, जो होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप ही चलते हैं, बट कभी इनकेस ऑफ फायर हो गया और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया तो उस टाइम पे हमारा फायर ड्रिवन पंप, जो हमारा डीजल पंप है, वो वर्क करता है। फिर होता है फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर आपका ऑफिसेस है या तो ज्यादा हाइटेड बिल्डिंग है तो वहां पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम को एक पर्टिकुलर जो अंदर बल्ब रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजाइन किया जाता है। जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव होता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो डिजाइन होता है 68 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जैसे 68 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ का टेम्परेचर होगा, ये बल्ब अपने आप फूट जाएगा, ये जो बल्ब होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो यहाँ से वाटर निकलना चालू हो जाता है, प्रेशराइज वाटर रहता है, और वो ये जो स्प्रिंकलर होता है वो फायर पाइप से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर अगर कहीं पे फायर होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो तुरंत ही स्प्रिंकलर जो रहेगा उसका बल्ब फूट जाता है और वहां पे जो एरिया है उसको कवर करेगा, वाटर सप्लाई करेगा वहां पे, जो भी वहां पे प्रेशराइज फॉर्म में वाटर स्प्रे करेगा जिससे जो फायर है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग हाइड्रेंट सिस्टम। ये हाइड्रेंट सिस्टम में क्या होता है कि हर जगह हम लोग स्प्रिंकलर नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए हम लोग वहां पे होज रेल ये सब यूज करते हैं, जिससे हम लोग वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पे प्रेशराइज वाटर को हम लोग स्प्रे करने के लिए। तो हाइड्रेंट सिस्टम अगर आपका, ये इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल वो होता है जो हम लोग, आप देखेंगे लिफ्ट, आपका जो भी लिफ्ट है लिफ्ट के बाजू में एक फायर इंटरनल फायर हाइड्रेंट रूम बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, और जिसके अंदर होज रेल रखते हैं, नोजल रखते हैं, जिससे कि अगर इन केस ऑफ फायर होता है तो हम लोग होस के थ्रू हम लोग पाइप वाटर को लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंकलर के आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये जो होता है मैनुअल प्रोसेस होता है।
फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अगर कहीं पे फायर हो जाता है तो हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, मैनुअल प्रोसेस होता है, आपको एक्सटिंग्विशर यूज करके आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटिंग्विशर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, एक होता है वाटर बेस्ड होता है, एक फोम होता है, एक ABC टाइप होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक वेट केमिकल टाइप होता है। और जैसा हमने की स्टडी किया था जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फायर होती है, तो ये जो एक्सटिंग्विशर है सब एक्सटिंग्विशर सब में नहीं चलता, कुछ एक्सटिंग्विशर जो होता है आपका कुछ क्लास में चलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं वाटर टाइप स्प्रे जो एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे हम लोग वाटर यूज करते हैं, तो वो जो ए क्लास की फायर है वहां पे ये सुटेबल है, दूसरे क्लास की फायर में हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वहां पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा और फायर को इंक्रीज करेगा। जो फोम टाइप स्प्रे रहता है वो ए क्लास की फायर में यूज कर सकते हैं हम लोग, और फ्लेमेबल लिक्विड जो बी क्लास की फायर है वहां पे यूज कर सकते हैं। जो ABC टाइप होता है हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, सिर्फ जो किचन है अगर वहां पे फायर हुआ है तो वहां पे हम लोग नहीं यूज कर सकते। किचन में अगर आपको फायर है तो किचन में आपको वेट केमिकल टाइप यूज करना पड़ेगा। जो वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर होता है आपका ए क्लास में यूज कर सकते हैं और किचन में यूज कर सकते हैं। जो CO2 टाइप CO2 बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो आप बी क्लास की फायर में और ई क्लास की फायर में जब इलेक्ट्रिक की वजह से होता है वहां पे यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में आता है, जैसे 10 लीटर में भी आता है जो ये कर्ब CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, 4.5 kg में भी आता है, 8-10-9 kg का भी आता है। तो डिपेंड्स आप यूज एप्लीकेशन कैसा है आप उसके हिसाब से हम लोग इसका कैपेसिटी होता है वो डिजाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे ये पूरा सिस्टम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फायर टैंक होता है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था ये फायर वाटर रिजर्वायर, तो कहीं एक जगह जहां पे हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं तो ये हमारा फायर टैंक हो गया। फायर टैंक के अंदर पानी कैसे आता है, दो तरीके से आता है, या तो म्यूनसिपल वाटर या तो टैंकर वाटर, कोई भी एक जगह से इसके अंदर हम लोग फिल करते हैं। और अगर मान लीजिए इसके अंदर वाटर नहीं है, फायर कहीं पे फायर लगा है और वाटर इसका पूरा खत्म हो गया, तो हम लोग ब्रिज इनलेट भी रखते हैं। 4-way टाइप आता है, 2-way टाइप आता है, 3-way टाइप ब्रिज इनलेट आता है, जिससे क्या होता है जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो वो अपना जो होज रील है वो ब्रिज के अंदर कनेक्ट करेंगे और इससे इसके थ्रू जो होता है हमारा फायर टैंक के अंदर पानी आना चालू हो जाएगा। तो अब क्या होता है फायर टैंक के अंदर पानी होता है और हम लोग डिफरेंट टाइप के पंप, डीजल पंप, जब हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर उस टाइम पे डीजल से जो पंप चलेगा उसको डीजल पंप बोलते हैं, दूसरा हाइड्रेंट पंप है, तीसरा स्प्रिंकलर पंप है, चौथा जॉकी पंप है, पांचवा बूस्टर पंप है। ये दोनों पंप जो होता है ये पानी को जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के लिए बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जब कभी एक हाइड्रेंट पंप, ये जो मेन लाइन है इसको प्रेशराइज करेंगे, ये हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप, जॉकी पंप, बूस्टर पंप, ये जो मेन स्प्रिंकलर मेन पाइप रहेगा उसको प्रेशराइज करेंगे, वहां से हाइड्रेंट को जाएगा, इंटरनल हाइड्रेंट, एक्सटर्नल हाइड्रेंट, और दूसरा जो है स्प्रिंकलर को जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है, जब हमारा स्टार्टिंग में हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप चलता है, एक प्रेशर बिल्ड करता है, उसके बाद ये दोनों पंप नहीं चलते, जैसे ही कहीं पे प्रेशर ड्रॉप हुआ उस टाइम पे जॉकी एंड बूस्टर पंप काम करेगा और प्रेशर को अचीव करेगा। बट अगर एक लिमिट के ऊपर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो उस टाइम पे स्प्रिंकलर और फायर पंप, हाइड्रेंट पंप दोनों चलने लगते हैं। बट अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो उस टाइम पे डीजल पंप चलता है। अब तक हमने जितना भी देखा, अगर फायर हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या मेजर लेते हैं वो हमने देखा, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या तो हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम देखा या फायर हाइड्रेंट सिस्टम देखा। एक बार फायर हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं वो हमने स्टडी किया। अब हम लोग देखते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर होने के कैसे हम लोग फायर को अवॉइड कर सकते हैं, उसको अर्ली स्टेज में ही कैसा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फायर डिटेक्शन सिस्टम देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें हम लोग क्या करता है कि जो फायर होता है तो अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग डिफरेंट जो BMS सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, या तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उससे हम लोग लोगों जो पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं, जैसे कि पूरी बिल्डिंग में हम लोग लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे फायर होने हुआ है। तो उससे क्या होता है कि लोग इजिली हम लोग एक इवैक्यूएशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं कि तुरंत उसको जो फायर हुआ उसको हम लोग अवॉइड कर सके और उसको हम लोग कम कर सके, तुरंत हम लोग उसको बंद कर सके फायर को। तो हम लोग देखते हैं एक फायर अलार्म पैनल होता है। फायर अलार्म पैनल स्मोक डिटेक्टर और इमरजेंसी ब्रेक ग्लास और स्प्रिंकलर सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आपका स्मोक डिटेक्टर कहीं पे अर्ली स्टेज का फायर है, अगर जैसे ही स्मोक डिटेक्ट करेगा तुरंत फायर अलार्म पैनल को वो इन्फॉर्म करेगा और फायर अलार्म पैनल से तुरंत एक मैसेज जाएगा आपके जो एंटायर बिल्डिंग का कंट्रोल प्रोसेस है उसको जाएगा। सेम अगर मान लीजिए स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया तो एक इमरजेंसी बटन रहता है, ये मैनुअल सिस्टम है। अगर किसी एम्प्लॉय ने, किसी ऑक्यूपेंसी ने,
कोई ह्यूमन बीइंग ने अगर देखा कि यहाँ पे फायर है तो वो उस केस में इसको पंच कर सकता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है फायर अलार्म पैनल से, तो तुरंत सिग्नल जाएगा फायर अलार्म पैनल को, फायर अलार्म पैनल जो है जो मैसेज है पूरे बिल्डिंग में सर्कुलेट कर सकता है। दूसरा होता है कि जब अगर मान लीजिए फायर अलार्म पैनल को पता चल गया कि यहाँ पे फायर फायर का अर्ली स्टेज का फायर है, तो वो तुरंत एक रिकॉर्डेड मैसेज रहता है जो पब्लिक पीए सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो साउंड साउंड से बता सबको इन्फॉर्म कर सकता है कि यहाँ पे फायर हुआ है, आप वहां से निकल सकते हैं। जो भी एक मैसेज है इसको हम लोग मैनुअली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, या रिकॉर्डेड सीडी रहती है उससे भी हम लोग एक एड्रेस कर सकते हैं कि आपको किस साइड से बाहर निकलना है बिल्डिंग में। मान लीजिए अगर 3 गेट है, 2 गेट पे फायर है, तो वो ये आपको पब्लिक एड्रेस सिस्टम से मालूम पड़ सकता है कि आपको 3रे गेट से बाहर जाना है, 2 गेट पे फायर है, तो वो हम लोग एम्प्लॉय तक या ऑक्यूपेंसी जो वहां तक मैसेज बता सकते हैं कि आप वो वहां पे मत जाइए, जहां से फायर है वो उस रास्ते से मत जाइए, अवॉइड कर सकते हैं उसको हम लोग। ये एक सिस्टम है फॉर 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, तीन फ्लोर का हमने सिस्टम बनाया है। मान लीजिए कि अगर आपने 2nd फ्लोर पे आपका कहीं पे फायर होता है, स्मोक डिटेक्टर आपको फायर को सेंस करता है, ये तुरंत आपका फायर अलार्म पैनल को जाएगा, फायर अलार्म पैनल ये मैसेज जो फायर अलार्म जो पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल सिस्टम है उसको जाएगा, और ये कंट्रोल सिस्टम पूरी बिल्डिंग में इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे फायर 2nd फ्लोर पे जहाँ पे भी है यहाँ पे फायर अर्ली स्टेज का फायर डिटेक्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या मेजर ले सकते हैं। जो एक बार फायर हो गया उसके बाद हम लोग सिर्फ उस समय बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग जो भी हमारा ऑक्यूपेंसी है उसको भी बचाना और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है जो ऑफिस है या जो उसको भी बचाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप अर्ली स्टेज में फायर को डिटेक्ट कर लेते हैं और अगर आप उसको बुझा देते हैं आग को या तो उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऑक्यूपेंसी का भी आपको कोई भी लॉस नहीं होता है और आपका जो जो एसेट है जो भी आपके ऑफिस का एसेट है वो भी आप उसका भी लॉस से आप बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।